हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे वाज वर्ब के यूज के बारे में। पिछले लेसन में हमने इज एम आर का यूज पढ़ा था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपसे वीडियो मिस हो गई है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि वाज वर्ब का यूज क्या है। वाज का मीन है था और वर्ब का मतलब है थे। वाज वर्ब का इस्तेमाल ऐसे फिकरात में होता है जो माजी में हो, यानी कि जिनका ताल्लुक पास्ट से हो, लेकिन उसमें वर्ब की बाकायदा फॉर्म का इस्तेमाल ना हो। अब इस वाज कहाँ यूज होगा, वर कहाँ यूज होगा, ये देखते हैं। ही शी एक प्लस सिंगुलर नेम के साथ, एक के साथ यानी सिंगुलर के साथ हम वाज यूज करेंगे, और वी दे यू प्लस प्लूरल के साथ जहाँ पर ज्यादा लोग होंगे उसके लिए हम वर यूज करेंगे। अब इनका सेंटेंस देखते हैं कि हम तालिबे इल्म थे। हम के लिए यूज क्या होगा, वही सब्जेक्ट है, सब वही के बाद हम यूज करेंगे वर, वही वर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, ये फूल सुर्ख थे, ये फूल सुर्ख थे, दीज फ्लावर्स वर रेड, ये फूल सुर्ख थे ज्यादा है तो उसके लिए वर यूज होगा, दीज फ्लावर्स वर रेड। चाय गर्म थी, टी वाज हॉट, चाय गर्म थी, टी वाज हॉट। हम सब खुश थे, हम सब वी आर थे, वर खुश हैप्पी, हम सब खुश थे। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस हम सब्जेक्ट के बाद जब वाज पर लगाएंगे तो उसके साथ हम नॉट को ऐड करेंगे। सेंटेंस क्या होगा, वो वफादार नहीं था, ही वॉज नॉट ऑनेस्ट, ही वॉज नॉट एन ऑनेस्ट, एक है तो उसके लिए हम एन लगाएंगे, ही वॉज नॉट एन ऑनेस्ट। गली में रोशनी ना थी, देयर वॉज नो लाइट इन द स्ट्रीट, देयर वॉज नो लाइट इन द स्ट्रीट। वो मेरे गहरे दोस्त नहीं थे, वो मेरे गहरे दोस्त नहीं थे, दे वर नॉट माई गहरे क्लोज, दे वर नॉट माई क्लोज फ्रेंड्स। अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा कि वाज और वर को शुरू में लगाएंगे ताकि हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना सकें। क्या पानी ठंडा था, क्या पानी ठंडा था, वाज द वाटर कोल्ड, क्या पानी ठंडा था, वाज द वाटर कोल्ड। क्या धूप तेज थी, वाज द सन हॉट, क्या धूप तेज थी, वाज द सन हॉट। क्या वो दोस्त थे, क्या वो दोस्त थे, वर दे फ्रेंड्स, वर दे फ्रेंड। क्या अमीर आदमी गरीबों पर मेहरबान था, क्या अमीर आदमी सिंगुलर है, वाज द रिच मैन काइंड टू द पुअर, वाज द रिच मैन काइंड टू द पुअर। थैंक यू गाइस, ये था हमारा आज का लेसन। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।